मैडम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो क्लासिकल सिंगर या शास्त्रीय गायन के प्रति जो अभिरुचि जागी होगी वो कौन सा दौर रहा होगा? क्या स्कूल के टाइम का जमाना था कि कॉलेज पहुंच चुकी थी? आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। नमस्कार, मैं आभार हूँ आप सबकी और रायपुर के श्रोताओं को और ऑर्गेनाइजर्स को भी मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मेरा जन्म एक संगीत के परिवार में हुआ था। मेरी माँ गाती थी, माँ भी गाती थी, और संगीत और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी मुझे विरासत में मिला। मेरे पिताजी को पूरा भगवद गीता बाय हार्ट था, अच्छा हम लोग सभी मानते थे। पिताजी बाइबल भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, भगवद गीता भी पढ़ते थे, ऐसे माहौल था हमारे घर में। और उसी की वजह से संगीत, जैसा मैंने कहा, विरासत से मिला संगीत और स्पिरिचुअलिटी माँ से पहले मैंने सीखा। मेरी पहली गुरु मेरी माँ है, फिर माँ के बाद संगीत विद्वान श्री जानकी रामन, उनसे मैंने कर्नाटक संगीत सीखा। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आई, शांति निकेतन में, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी में। जब 17 साल की उम्र थी, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, तब हिंदुस्तानी म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस हुआ उधर, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। सलामत अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब पाकिस्तान से आए हुए थे, और मेरे जी गुरु जी पंडित एक आनंद और विदुषी मालवी का कानन, वो दोनों आए हुए थे। तो सबका गाना सुना मैंने, सुन के पाकिस्तान तो जा नहीं सकते सीखने के लिए, तो गुरु जी गुरु माँ के पास गए, पंडित एक आनंद और विदुषी मालवी कानन के पास जाके मैंने बोला कि मुझे ये संगीत, अगर हिंदुस्तानी संगीत हो। पहले मैं क्या सोचती थी, लता जी के गाना बहुत गाती थी, लता जी का गाना सुन के मैं हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत समझती थी। हालांकि वो शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित थे वो लोग, वो सब गाने, लेकिन शास्त्रीय संगीत तो कुछ और होता है ना। तो मुझे पहली बार पता चला ये सारे विद्वानों को सुन के, तो तभी मैंने तय किया, जैसा मैंने सुना तभी मैंने तय किया कि ये संगीत मुझे सीखना है, ये संगीत की एक अच्छी कलाकार बनना है। तो और फिर ग्रेजुएशन खत्म करने से पहले मेरी शादी हो गई बंगाल में जी। और मेरे, और मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ी बहुत, वो मेरा पिता, मेरे माता पिता, मेरा पति और मेरे बेटे, मेरे बहू, सभी के सहयोग से हुआ, और सबसे ज्यादा मेरे गुरुओं की आशीर्वाद, परम गुरु की आशीर्वाद से। आमतौर पे गृहस्थ जीवन के बाद कोई भी महिला मैडम अपनी जो ख्वाब बुनी होती है या संजोए होती है उसका तो पूरा करना बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो इन सब से कैसे सामंजस्य आपने बिठाया होगा? देखिए, मेरा एक प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है, विमेन्स एम्पावरमेंट। ओके। मैं अभी दूरदर्शन में 1 घंटा परफॉर्मेंस और बातचीत किया जी, मीरा जी को आइडियल मान के। मैं एक अपने सीनियर शिष्य है डॉक्टर सामिया महमूद अहमद, बांग्लादेश की लड़की है, वो 20 साल से मेरे से सीख रही है, उसके साथ हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो मीरा जी की इसलिए आइडियल माना, और मैंने वो छोटा क्लिप मैं आपको भेज दूंगी, 5-6 साल पुरानी बात है। मीरा जी जब ये कर सकती है, उनका क्या ध्येय था, कृष्ण जी को पाना, वो करके दिखाए, केयर नहीं किया, कितना अड़चने आई, सास ससुर देवर जी ने बहुत सताया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही जो महिला में जो शक्ति है, वो शक्ति को जगाना है। अगर ये जगाने से कोई भी, अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले, कोई आपको हरा नहीं सकते, ये दृढ़ निश्चय होना। घर में भी यही बात है, और पुरुष को हमेशा, नारी देखिए, नारी सब कुछ करती है, अपना पति को देखती है, अपना ससुराल में सबको देखती है, बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है, लेकिन पुरुष का भी एक कर्तव्य बनता है, चाहे वो पिता हो या पति हो, भाई हो, जो भी हो, पुरुष का भी एक कर्तव्य है नारी के साथ देना, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलने से तभी तो जिंदगी शांतिमय होता है, आनंदमय होता है। पद्मश्री की यादों को थोड़ा सा हम ताजा करेंगे, क्या उस समय ऐसा रहा होगा और जब आपको पता चला कि आपका चयन इस चीज के लिए हो गया है तो क्या रहा होगा उस समय? देखिए, पहले तो क्या था, मैं तब दिल्ली में थी, और पद्मश्री से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता था जी। ऐसे मेरी 2 बार हो चुकी, हुआ नहीं है। ओके। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब पद्मश्री के लिए वो पूरा वो लोग जांच लेते हैं, कौन सी फैमिली है, कहाँ की है, सब। तो 2 बार हुआ, हुआ नहीं है। थर्ड टाइम में फिर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। मैं तब कलकत्ता में एक रिकॉर्डिंग कर रही थी, एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, परफॉर्मेंस के लिए।
तब घर से बोला कि रहने दो, अभी थर्ड टाइम हो रहा है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो 2010 में हो गया। देखिए, हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये सोना है, हीरा है, इसको ये कभी नहीं बदलेगा। और मैं तो सारी, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के लिए, पॉप म्यूजिक के लिए, सभी संगीत को मैं नमन करती हूँ, सभी अच्छे हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है, ये हमारी माँ है, ये माँ के साथ ताल्लुकात रखना जरूरी है। वो सर, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए सर। मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया है, कोरियन म्यूजिशियंस के साथ किया है, रॉबिन होगा डबल ग्रैमी अवार्ड विनर, उनके साथ मैंने गुनवाना डाम प्रोजेक्ट किया है, उसमें साउथ अफ्रीकन गॉस्पेल म्यूजिक के साथ, हमारे संगीत के साथ। ये हमारे गुनवाना डॉन, आप देखिए, मेरा पेज भी है, आप देख सकते हैं। गुनवाना डॉन मतलब लाखों साल पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और सारे, बहुत सारे लोग एक साथ था, फिर जियोग्राफिकल रीजन से अलग अलग हो गया। तो हमारा मकसद था, हम लोग अलग हो गए, अफ्रीका अलग है, भारत अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस एक ही होता है। जी उसी के ऊपर हमने चर्च किया, उनकी कल्चर क्या है, हमारी कल्चर क्या है। और जैसा कबीर का भजन मैंने लिया, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे सांसों में सांस, आप सुना होगा कबीर का भजन। ऐसे उनका एक गॉस्पेल म्यूजिक में एक गाना है, आई एम इन योर सोल ना, तो ये मिलता जुलता है, गॉस्पेल म्यूजिक के साथ भी मिलता जुलता है। ऐसे डॉक्टर रुपम शर्मा के साथ भी मैंने किया, ओंकारा चक्रा मेडिटेशन ऐसा। अभी वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट कर रही हूँ, महिलाओं को सशक्ति जगाने के लिए, क्योंकि इस संगीत में इसलिए पीछे हटते हैं युवा, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल की अर्निंग नहीं है, ये सच बात है। इसलिए वो लोग जहाँ अर्निंग है वही जाना चाहते हैं, जो सच बात है, क्योंकि अपना पेट भरना है, रहना, ये सब तो जरूरी है, खाना पीना रहना, ये सब जरूरी है। लेकिन इसके लिए तो सोसाइटी को भी मैं जिम्मेदारी ठहराती हूँ, कॉरपोरेट सेक्टर को भी जिम्मेदार सकती हूँ, गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कॉरपोरेट सेक्टर, ये लोग थोड़ा ध्यान दे तो संगीत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसा किए, ऐसा किया जाए तो संगीत के माध्यम से भी इनका अर्निंग हो जाए, युवा को अर्निंग हो जाए, कुछ जी कलाकार बनना। जैसे पुराने जमाने में क्या था, एक कलाकार बनना मतलब राजा महाराजा लोग उनको सपोर्ट करते थे, अभी तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अपना जैसा घर को भी संभालना है, फिर संगीत भी करना है, तो मुश्किल काम है। जी तब भी कलाकार आ रहे हैं युवा में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, लेकिन और आगे आएंगे अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारी सपोर्ट सोसाइटी करें और हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर जी। अगर सपोर्ट करे, और भी युवा आएंगे।